जय हिंद प्यारे साथियों, वोकैबुलरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित तिवारी। होली की सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। आप अच्छे से होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करें और इस रंगों के त्योहार में अपनी जिंदगी में रंग भरें और दूसरों की जिंदगी में भी रंग भरें। इसी के साथ आगे मैं आज कुछ रंगों यानी कुछ कलर्स के बारे में बात करना चाहूंगा और उन रंगों से स्टार्ट होने वाले ईडियम्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और रंगों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हुए इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हैप्पी होली, ठीक है, सबके लिए। फिर हम बात करते हैं आगे कि यहाँ पे कुछ रंग लिखे हैं यानी कि कुछ कलर्स लिखे हुए हैं। जैसे कि हर एक कलर किसी न किसी चीज को सिंबलाइज करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है, और उससे कई सारे ईडियम्स भी बनते हैं। देखिए, अगर मैं ईडियम्स की बात करूं, ईडियम्स और फ्रेजेस की बात करूं, तो ये इसको सॉल्व करना आप तक अभी तक आपने इन चीजों को रटा होगा, समझा होगा, ठीक है। लेकिन ईडियम और जो फ्रेजेस होते हैं वो दो तरह से सॉल्व होते हैं अगर मैं बात करूं बेसिकली। पहला तो होता है कि आप अपना सिक्स सेंस लगा के उसको सॉल्व करें, यानी कि जो आपने याद किया वो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें। दूसरा होता है आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व करें। तो जो idiom और phrases होते हैं वो 75-80% जो idiom और phrases होते हैं वो common sense से solve हो जाते हैं और मैं उसी method या उसी approach को लेके चलता हूँ हमेशा से। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम idiom और phrases को common sense के according बिल्कुल ease method पे देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है in red, in red, ठीक। अगर मैं red की बात करूं तो जो red color होता है basically वो क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं red खतरे का प्रतीक होता है, ठीक है। यानी कि भाई किसी की चोट लग गई, हमारी बॉडी से ब्लड निकला, वो भी रेड, ठीक है। गाड़ी में जो सिग्नल दे रहे हैं वो भी रेड, ठीक है, ट्रेन में। तो कहने का मतलब है कि जो रेड होता है वो कहीं ना कहीं खतरे का प्रतीक होता है, खतरे का सिंबलाइज करता है। अब यहाँ लिखा हुआ है इन रेड, यानी कि भाई मैंने कह दिया कोई व्यक्ति रेड में है, कोई व्यक्ति रेड में है, तो रेड में है इसका मतलब क्या है, वो कर्ज में है, यानी कि वो डेप्ट में है। डेप्ट मतलब क्या होता है सर? सर डेप्ट मतलब होता है कर्ज। थोड़ा सा इसको और समझेंगे। देखिए, होता क्या, जैसे किसी कंपनी में ताला लग गया, किसी कंपनी में ताला लग गया, ठीक है, तो किसी कंपनी में उन्होंने ताला लगा दिया और ताला लगाने के बाद क्या करते हैं, वो उसमें थप्पा मार देते हैं, ठीक है, एक स्टैंप मार देते हैं, तो कि अब ये कंपनी क्या होगी, पूरी तरह से सील हो चुकी है। अब सील हो चुकी है, सील क्यों की हमने कंपनी, सर हमने कंपनी इसलिए सील की क्योंकि कंपनी का जो मालिक था वो कर्जा चुका नहीं पा रहा था, वो कर्जे में था, यानी कि वो कंपनी का मालिक किसमें था सर? कंपनी का मालिक डेप्ट में था। सर कंपनी का मालिक किसमें था? सर कंपनी का मालिक डेप्ट में था, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसकी कंपनी सील कर दी, ठीक है। तो यहां से हो गया क्या, इनडेप्ट मतलब कि कर्ज में। सर यहां से एक और ईडियम बनता है जब कंपनी ने मालिक सील कर दी। देखिए, यहां से एक ईडियम बनता है, यहां पर जगह बिल्कुल भी नहीं है, मैं लिख देता हूं यहां पर, बाद में फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी बता देता हूं मैं। लॉक स्टॉक एंड बैरल, लॉक स्टॉक एंड बैरल, सब देखते हैं क्या होता है। देखिए, जब व्यक्ति जो था वो कर्ज में था तो उसने अपनी वो कंपनी को बेच देगा, ठीक है। अब कंपनी को बेचेगा तो कैसे बेचा उसने, उसने कंपनी को लॉक स्टॉक और बैरल की तरह बेच दिया। इसका मतलब होता है कि कंप्लीटली बेच दिया, पूरी तरह से बेच दिया, ठीक है, कंप्लीटली बेच दिया, कंप्लीटली सेल कर दिया उसने। सर कंप्लीटली सेल किया हो तो ठीक है, पर हमें कैसे पता कंप्लीटली सेल किया उसने? देखिए, जब उसने कंपनी बेची तो उसने क्या किया भाई, अब जब कंपनी नहीं रही तो कंपनी के लॉक रख के वो क्या करेगा, तो उसने क्या किया, तो सबसे पहले कंपनी ने स्टॉक बेच दिए, जितने भी स्टॉक थे, कंपनी जो स्टॉक मार्केट होती है, हर कंपनी के स्टॉक होते हैं, तो उसने कंपनी के स्टॉक बेच दिए। स्टॉक के साथ उसके बाद क्या बेच दिया, कहते जब हमारे पास स्टॉक ही नहीं रहे तो हम लॉक का क्या करेंगे, जब कंपनी नहीं रही तो लॉक का क्या करेंगे, तो उसने लॉक भी बेच दिए। लॉक क्या होता है, ताली सर। सर उसने स्टॉक बेचे, उसने लॉक बेचे, और उसके बाद उसने क्या किया, बैरल बेच दिए। भाई कंपनी में एक आधे पीपे पड़े होंगे, पीपा मतलब पानी नहीं पीते हैं, तो जो पीपे पड़े थे उसने वो भी बेच दिए, यानी कि उसने क्या किया, स्टॉक बेच दिए, लॉक बेच दिए और बैरल बेच दिए। सर ये ईटीएम बन जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सर पूछा गया है क्या, ही सेल्ड समथिंग लॉक स्टॉक एंड बैरल, यानी कि कंप्लीटली उसने सेल कर दिया उस चीज को, ठीक है, कंप्लीटली सेल कर दिया। सर कंप्लीटली सेल के, जब हम कंप्लीटली की बात करते हैं, अच्छा मैं इसको बाद में बताऊंगा, कुछ और चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, पर यहाँ जगह नहीं है, बाद में बताता हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है इन रेड, यानी कि मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति रेड में है तो रेड का मतलब क्या बताया सर? सर रेड का मतलब मैंने बताया क्या, कि कर्ज में है, ठीक है, रेड का मतलब बताया मैंने कर्ज में, ठीक है, तो रेड का मतलब हो गया कर्ज में। अब बात करते हैं ब्लैक। देखिए जो ब्लैक होता है ना, ब्लैक कहीं ना कहीं
एक अच्छी चीज को यानी कि क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति कोई फोन लेता है, आजकल जो भी फोन लेते हैं स्टूडेंट से, कोई भी फोन ले रहा है तो हमेशा ब्लैक प्रेफर करते हैं। जो ब्लैक होता है वो कहीं ना कहीं एक क्लास का सिंबलाइज करता है, यानी कि एक अच्छी चीज का प्रतीक होता है ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक का मतलब सर क्या होता है? रिचनेस। ठीक है ना, तो ब्लैक का मतलब क्या है? ब्लैक का मतलब होता है सब, तुम्हारे पास ब्लैक है, ब्लैक फोन, ब्लैक कपड़े, ब्लैक कार, सब बढ़िया, सब ब्लैक ब्लैक। ठीक है ना, मैन इन ब्लैक। भाई आपने क्या सुना, आपने वो पिक्चर आई थी मैन इन ब्लैक, ठीक है, तो ब्लैक सूट पहन के। तो ब्लैक का मतलब क्या है भाई? ब्लैक का सर मतलब क्या है? ब्लैक का मतलब है सर प्रॉफिट में, पैसा आ रहा है, आपने सारी चीजें ब्लैक ब्लैक कर ली, तो ब्लैक का मतलब सर क्या होता है? इन ब्लैक का मतलब होता है इन प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनका, क्या सर? इन ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन ब्लैक एंड व्हाइट? देखिए सर, ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड है, मैंने सर ब्लैक से लिखा हुआ है, ये व्हाइट बोर्ड है, मैंने ब्लैक से लिखा हुआ, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं लिखना हुआ। सर आप एक पेपर लेते हो, पेपर में क्या होता है? पेपर में सर पेपर है, पेपर व्हाइट होता है, अब ब्लैक पेन से लिखते हो, तो सर ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन रिटन। आपकी जब जॉब लग जाएगी तो आप यू ही कहीं नहीं जा सकते। इफ यू वॉन्ट टू गो समवेयर यू हैव टू गिव फर्स्ट द एप्लीकेशन इन ब्लैक एंड व्हाइट, मीन्स सर यू हैव टू गिव द एप्लीकेशन इन रिटन, फर्स्ट यू हैव टू गिव द एप्लीकेशन इन रिटन, ओनली देन यू आर अलाउड टू गो। ओके, सो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या है सर? इन रिटन में, यानी कि आप लिखित में कोई चीज दोगे तभी वो मानी जाएगी हमेशा। ठीक है, ओरल कोई चीज नहीं मानी जाती सर। नेक्स्ट बात करते हैं इन पर्पल और पिंक। सर आप जानते हैं मलाला यूसुफ जई को, जो हमारी नोबेल प्राइज विनर रही है, ठीक है ना, तो सर जो वो नोबेल प्राइज विजेता रही है, तो आप देखा होगा कि सर जो वो मलाला यूसुफ जई या इस्लाम में या कोई भी अगर जो गर्ल है वो हिजाब बांध लेते सर, सर जो ऐसे करके गर्ल्स बांध लेते हैं, पूरा अपना फेस कवर कर लेते हैं कपड़े से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हिजाब। ठीक है, सो आपने देखा होगा जो मलाला यूसुफ जई है वो मोस्टली पिंक कलर का हिजाब बांधती है, ठीक है, या पर्पल कलर का हिजाब बांधती है, मोस्टली वो पिंक कलर का हिजाब बांधती है। सर वो क्यों बांधती है, उसके पीछे का रीजन मैं पहले बता चुका हूँ। हर चीज अगर का कुछ नाम है या कोई चीज किसी तरह से हो रही है तो देयर इज अ रीजन समथिंग बिहाइंड इट। ओके, सो बेसिकली वो पिंक कलर का हिजाब बांध रही है। सर वो क्यों बांध रही है? क्योंकि वो कह रही है कि जो बेसिकली जो वो लड़कियों को तालीम दे रही है, जो शिक्षा दे रही है, या फिर वो चाहती है कि हर व्यक्ति आगे बढ़े या फिर हर तरफ शिक्षा जाए, ठीक है, तो वो हर एक चीज को आगे बढ़ाना चाहती है, ग्रोथ को दिखाना चाहती है, इसलिए वो पिंक सर हिजाब बांधती है। तो पिंक का मतलब क्या हो गया सर? गुड ग्रोथ। वो ये कह रही है कि हमारी जो पूरी ये शिक्षा प्रणाली है या फिर जो हम एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गर्ल्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सो दैट्स व्हाई शी वियर्स द पिंक हिजाब। सो पिंक या पर्पल मीन्स क्या होता है सर? इन गुड ग्रोथ। सर आगे बात करते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं ऊपर, आगे बात करते हैं सर ब्लू की। देखिए सर, हमको बताया कि जो ब्लू, ठीक है, जो ब्लू, ब्लू जो होता है कहीं ना कहीं जो ब्लू होता है ब्लू कलर, ठीक है, तो ब्लू कलर जो होता है वो कहीं ना कहीं क्लास को रिप्रेजेंट करता है। क्लास का मतलब क्या? एक अच्छी क्लास को, जैसे जो एक एड आता है जैसे, ठीक है ना, ऑफिसर्स चॉइस ब्लू, यानी ऑफिसर्स लोगों की चॉइस क्या होती है? ब्लू होती है, ठीक है ना। सो ब्लू जो होता है बेसिकली क्लास को रिप्रेजेंट करता है, अच्छी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहां बात करते हैं ब्लू आइड बॉय, ठीक है, ब्लू आइड बॉय। देखिए ब्लू का मतलब क्या है? ब्लू आइड बॉय, जैसे एक पिक्चर आई थी ट्विलाइट स्वान सागा, वो हॉलीवुड की पिक्चर, उसमें जो हीरो था उसका नाम था कॉर्बन डैलस, ठीक है, तो उसकी आंखें ब्लू थी। भाई अगर किसी व्यक्ति की आंखें, उसकी आंखें ब्लू थी, उसको सब लोग पसंद कर रहे थे। अगर किसी व्यक्ति की आंखें जो है वो ब्लू है, ठीक है, नॉर्मल तो इसकी क्या होती है, ब्लैक होती है, ब्राउन होती है, पर अगर किसी व्यक्ति की आंखें ब्लू है तो उसको सब लोग पसंद करेंगे। तो ब्लू एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है? हम एवरीबॉडी लाइक, जिसको सब लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं सर। उसके बाद लिखा हुआ वंस इन अ ब्लू मून। भाई देखो सर, ब्लू मून, ब्लू तो कभी सर मून तो रोज आता है, ठीक है, पर ब्लू मून तो कभी नहीं आता, ठीक, पर अगर ब्लू मून आ गया और उस दिन भी, समझिएगा सर, ब्लू मून आ गया एक दिन और उस दिन भी कोई व्यक्ति उस दिन आ रहा है सर जिस दिन ब्लू मून आ रहा है, समझ रहे हो? तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है ईद का चांद। काफी सारे लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, समझी होगी। अब आगे बात करते हैं सर, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लू कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब और व्हाइट कॉलर जॉब। सर ये क्या होता है ब्लू कॉलर जॉब? देखिए ब्लू मैंने बताया, ब्लू जो होता है बेसिकली जो ब्लू होता है वो ऑफिसर्स, ठीक है ना, जो ऑफिसर्स होते हैं सर उसको उनकी चॉइस होती है, ऑफिसर्स चॉइस, ऑफिसर्स की चॉइस जो होती है सर वो होती है
ब्लू, अब यहाँ लिखा हुआ ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर का जॉब का मतलब क्या होता है, जो ऑफिसर लोग काम करते हैं उसे हम लोग कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब। लेकिन ब्लू कॉलर जॉब जो होता है बेसिकली सर वो होता है मैनुअल लेबर, ठीक है। मैनुअल का सर मतलब क्या होता है, मैनुअल का मतलब होता है जो काम हाथ से किया जाए उसे हम कहते हैं मैनुअल लेबर। इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है सर, इसके पहले मैंने बताई थी आपको मैन्यूस्क्रिप्ट, ये वन वर्ड में बताया था मैंने मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू का मतलब क्या हुआ, मैंने, यानी कि जो मैंने किया है। और स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, राइट, लिखना, यानी कि जो चीज मैंने लिखी है वो मैन्यूस्क्रिप्ट हो गई। इसको हिंदी में कहते हैं हस्तलेख, हस्तलेख, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूं। अब यहां पर लिखा हुआ है मैनुअल लेबर, यानी कि जो हाथ से काम किया गया, जो मैंने काम किया है, दैट इज द मैनुअल लेबर। तो मैनुअल लेबर का मतलब क्या होता है, जो हाथ से काम किया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं कोई मजदूर है, ठीक है ना, लेबर है, कारपेंटर है, यानी कि जो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, मैनुअल लेबर कर रहे हैं, मेहनत का काम कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब है उनकी। लेकिन उसी जगह पे व्हाइट कॉलर जॉब की मैं अगर बात करूं तो इसका मतलब होता है जो प्रोफेशनल वर्कर्स हैं, यानी कि जो सर्विस क्लास के व्यक्ति हैं उसे हम लोग कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। सर नेक्स्ट बात करते हैं सर, देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, सबसे नीचे लिखा हुआ है, आपको दिखा होगा यहाँ पे व्हाइट एलिफेंट। देखिए बात समझिए, एलिफेंट कहने हाथी पाल लिया पर खिला नहीं पा रहे हो उसको, कहने का मतलब है हाथी तो वैसे भी कॉस्टली होता है, उसको खिलाना पड़ना और कॉस्टली हो गया। एक तो हाथी पालना ही बड़ा मशक्कत का काम है, ऊपर से आपने व्हाइट एलिफेंट पाल लिया, मतलब जो कहीं नहीं मिलता, ठीक है। तो जो व्हाइट एलिफेंट आपने पाल लिया, ठीक है, तो अब व्हाइट एलिफेंट और कॉस्टली होगा। तो व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कि वेरी कॉस्टली, कॉस्टली तो बहुत ज्यादा है पर उसके साथ साथ यूजलेस भी है। एक ऐसी चीज जो बहुत कॉस्टली है और यूजलेस है, दैट इज कॉल्ड व्हाइट एलिफेंट। इफ समथिंग इज व्हाइट एलिफेंट तो मतलब क्या है, बहुत कॉस्टली और यूजलेस है। सब आगे बात करते हैं, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। जो भी आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए मुझे, ठीक है, ताकि मैं उन चीजों पर ध्यान दे सकूं और उस चीज को मैं अच्छे से आपको समझा पा सकूं। तो प्लीज आप सभी अपना, जितने भी वोकैबुलरी से लोग जुड़े हुए हैं, अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए मैं बता चुका हूं आपको ब्लू का मतलब। देखिए ब्लू के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। अब भाई यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि आपने गाना सुना होगा, आज ब्लू है पानी पानी, ठीक है। अब कवि कहना चाहता है कि पानी ब्लू है, पर कवि का आशय क्या है, भाई कवि का क्या आशय है। कवि कह रहा है कि पानी ब्लू है, इसका मतलब क्या है देखते हैं। देखिए कवि कह रहा है कि पानी ब्लू है, अब कवि ने कह दिया जब पानी ब्लू है यानी कि वो पानी में है, यानी कि इन ब्लू। इन ब्लू का मतलब सर क्या होगा, देखिए पानी भी ब्लू होता है हम मानते हैं ऐसा, बाकी हमारे आंसू के जो कलर होते हैं वो भी क्या होते हैं, ब्लू होते हैं, यानी कि पानी की तरह होते हैं। तो इन ब्लू का मतलब सर क्या होता है, इन ब्लू का मतलब अगर कोई व्यक्ति दुख में है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, इन ब्लू। मैंने कहा कोई व्यक्ति सैड है, दुख में है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैड है यानी कि दुख में है, यानी कि वो इन ब्लू है, ठीक। अब हम बात करते हैं साइड के लिए कुछ एक दो वर्ड लेते, जैसे मैंने कहा ग्लूमी, ठीक है, ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब क्या हो गया सर, बहुत दुख में है, मेलनकॉलिक, 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 तो मेलनकॉलिक का मतलब क्या होता है सर, बहुत दुख में है। तो ग्लूमी है, मेलनकॉलिक है, मैग्लोमैनियक है, कई सारे वर्ड्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, बहुत दुख में है, बहुत सैड में है, ठीक है। उसके बाद सर आगे बात करते हैं, देखिए ब्लू में हो गया, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फील ब्लू, ठीक है ना, इन ब्लू या फील ब्लू, कोई ब्लू फील कर रहा है, उसका मतलब भी क्या हो गया, उसका मतलब भी वो सैड, ठीक है ना। फिर बात करते हैं बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू, बीट समबडी ब्लैक एंड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बीट समबडी ब्लैक एंड, आपने किसी को इतना मारा किया क्या, वो काला काला नीला हो गया एकदम बिल्कुल, ठीक है, इतना आपने उसको पीटा था, तो ये हो गया बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू। अब हम बात करते हैं उसके आगे ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है भाई, देखिए रेड ब्लड जो होता है वो हमेशा रेड होता है, ठीक है, लेकिन अब किसी व्यक्ति का जो ब्लड है वो क्या है, ब्लू है, और मैं बता चुका हूं ब्लू का मतलब क्या होता है, बेसिकली ब्लू का मतलब होता है सर जो अच्छी चीज होती है, यानी कि क्लास का मतलब होता है, ठीक है। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब सर होता है जो उच्च क्लीन का कुल, उच्च कुल का व्यक्ति जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ब्लू ब्लड, ठीक है। तो ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है, एक अच्छी क्लास का व्यक्ति जो होता है, हाई क्लास का। अब हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट काफी है, और यहां से क्या चीज आती है, क्या चीज इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है, देखिए
इसका मतलब होता है ब्लूबर्ड का उच्च कुल का व्यक्ति, उच्च कुल का व्यक्ति। ठीक है, अब हम आगे अगर बात करें कि उच्च कुल का व्यक्ति कौन होगा, आपने सुना होगा अरस्तु का नाम। ठीक है, अब अरस्तु बड़े अच्छे फिलोसफर थे, यानी ठीक है, अब अरस्तु जो थे वो बड़े अच्छे फिलोसफर थे। अरस्तु को इंग्लिश में कहते हैं सर अरिस्टोटल, अरिस्टोटल। तो अरस्तु बड़े अच्छे फिलोसफर थे और उनको इंग्लिश में कहते हैं अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल का मतलब या अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है सर, जो उच्च कुल का व्यक्ति होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का मतलब क्या होता है सर, एरिस्टोटल का मतलब होता है जो उच्च कुल का व्यक्ति होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एरिस्टोटल, नोबल क्लास पर्सन, नोबल क्लास पर्सन। ठीक है, और बाकी अगर मैं उच्च कुल की बात करूं तो यहां से सिंपल सी चीज आ जाती है जो आपको पता भी है, क्या बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, सबको पता होगा बॉर्न विद सिल्वर स्पून। यानी कि अगर क्या कोई मुंह में चांदी का चम्मच, यानी कि उसके बेसिकली फैमिली में बहुत सारा पैसा है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ही बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। ओके, नाउ आगे बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक ये लिखा हुआ अबोर्ड फ्रॉम द ब्लू और दूसरा लिखा हुआ है आउट ऑफ द ब्लू। सही, दो इडियम लिखे हुए हैं, इनको थोड़ा समझ लेते हैं, तुरंत समझ आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ अबोर्ड फ्रॉम ब्लू, भाई बोर्ड सबको पता है, अगर मैं बोल्ड की बात करूं तो इस बोर्ड का मीनिंग सबको पता है। बोर्ड का मतलब क्या होता है, वही बोल्ड जो हम लोग दरवाजों में हिंजेस में यूज करते हैं, ठीक है ना, जॉइंट्स में यूज करते हैं। तो बोल्ड, अबोर्ड फ्रॉम ब्लू, यानी कि ब्लू का मतलब क्या होगा, एक अच्छी क्लास। ब्लू का मतलब क्या होता है सर, ब्लू का मतलब होता है एक अच्छा क्लास, एक अच्छा लेवल, और वहां से क्या निकला आया, बोल्ड। तो एक अच्छी जगह से बोल्ड निकल आया तो वो तो अनएक्सपेक्टेड था ना सर, हमें तो लगता ही नहीं था कैसा होगा, ब्लू से बोल्ड निकल आया अनएक्सपेक्टेड। ओके, नो नेक्स्ट, आउट ऑफ द ब्लू, इन ब्लू का मतलब क्या, ब्लू का मतलब तो मतलब एकदम हाई क्लास, नोबल क्लास सर, एरिस्टोक्रेसी। ब्लू का मतलब हाई क्लास, नोबल क्लास, एरिस्टोक्रेसी। अब आउट ऑफ ब्लू, वो ब्लू से भी ज्यादा अच्छा हो गया। ठीक है, तो इसका इन दोनों जो इडियम्स हैं, इन दोनों का मतलब क्या होता है सर, इन दोनों का मतलब होता है सर सडन अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट, सडन अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट सर। ठीक है सर, अगर मैं बात करूं, ये हो गया अबोर्ड फ्रॉम ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, सडन अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट, एक ऐसा वाक्या जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था हो गया। अगर सर मैं इंसिडेंट की बात करूं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, ठीक, और ठीक है, तो इंसिडेंट और एक्सीडेंट में डिफरेंस क्या होता है, इंसिडेंट का मतलब होता है कोई वाकया हो गया, एक्सीडेंट की जब हम बात करते हैं तो एक्सीडेंट का मतलब कहीं ना कहीं जो वेहिकुलर एक्टिविटी है, यानी कि वेहिकुलर जो व्हीकल्स है, कहीं ना कहीं दे मस्ट बी इन्वॉल्व समवेयर समहाउ, दैट इज द एक्सीडेंट। आप जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया कि कार से आपका, किसी के कार से, ठीक है, या फिर अगर आप सिर्फ चल रहे हैं, आपका स्लीपर स्लिप हो गया एंड यू जस्ट फॉल बैक, सो दैट इज इंसिडेंट, समथिंग हैपनिंग, सो दिस मींस इंसिडेंट एंड दिस इज एक्सीडेंट। ओके, नाउ अगर मैं और आगे बात करूं तो यहां पर और क्या मैं बता सकता हूं आपको, ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, यानी कि जो बताना चाहता था आपको, यानी कि ब्लू के बारे में। रही बात दूसरी जो idioms हैं, तो basically idioms और phrases की हम एकदम बढ़िया से अच्छी सीरीज स्टार्ट करेंगे। एक भी idiom, एक भी phrase, एक भी eventually word आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। You don't have to memorize, mug up, cram anything. Okay? We'll just go through it and it will happen. Okay? हाँ, अब अभी मैं एक और बात कर रहा था holistic development की। देखिए कुछ और पता होने चाहिए आपको, थोड़े समय और बात कर लेता हूं। जैसे ये तो इडियम हो गए, ठीक है, वहां पर मैंने कुछ लिखा था वर्ड, मैं लिखा था लॉक स्टॉक एंड बैरल, ठीक है,
तो लॉक स्टॉक एंड बैरल से कुछ और एक चीजें हैं मैं समझाना चाहता हूँ। लिखा हुआ पहले वर्ड होल, HOLE, WHOLE, ठीक है। ये कुछ बेसिक वर्ड है, छोटे-छोटे वर्ड्स हैं, इनको देख लेंगे। होल क्या होता है? एक्चुअली होल का मतलब क्या होता है? ये छोटा है, इन दोनों वर्ड्स में छोटा कौन वर्ड है? होल वर्ड है। अब जो छोटा है, आपको पता है जो छिद्र होता है, छिद्र है ना, यानी कि जो सुराख होता है कहीं पर, वो हमेशा छोटा होता है, छेद छोटा होता है, ठीक है। होल इन दोनों वर्ड में छोटा कौन है? सर ऊपर वाला छोटा है, अभी छोटा है तो इसका मतलब होता है सर छिद्र, ठीक। और ये बड़ा है, इसका मतलब होता है सर संपूर्ण, ठीक। लेकिन सर यहां से एक और वर्ड बनता है होलिस्टिक, होलिस्टिक, ठीक है, होलिस्टिक। सर इसका मतलब ये वर्ड सर इसमें एच आ गया है, लेकिन जो इसका जो मतलब होता है वो सर इससे होता है, संपूर्ण से। होलिस्टिक का मतलब भी क्या होता है सर? संपूर्ण। जिसे मैंने कहा कि मैं आपको जो पढ़ाता हूं, मेरी हमेशा से आदत है, मैं जब भी पढ़ाता हूं आई ऑलवेज कंसीडर दी होलिस्टिक अप्रोच। विच अप्रोच सर? होलिस्टिक अप्रोच। सर आई ऑलवेज कंसीडर दिस अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच मीन्स टू कनेक्ट द थिंग्स एंड देन टू टेल यू। मीन्स जितना हम लोग लिंकअप करेंगे, वी आवर माइंड इज जस्ट लाइक दैट, जितना हम लोग लिंक करेंगे चीजों को उतना जल्दी से सीखेंगे, उतनी बेहतरी से सीखेंगे, आसानी से सीखेंगे। तो ये हो गया हमारी क्या? होलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। तो होल का मतलब क्या हो गया? छिद्र। होल मतलब संपूर्ण, होलिस्टिक और होलिस्टिक अप्रोच। अब हम बात करते हैं सर एक और होल के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं पीप होल। पीप होल सर, पीप होल क्या होता है? देखिए सर, पीप होल क्या होता है सर? आपने देखा होगा कुछ दरवाजों में जो छेद होता है, छोटा सा छेद लगा होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं? बाहर देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति बाहर खड़ा है। सो सर दैट होल इज कॉल्ड पीप होल। ओके, होल मतलब छिद्र, पीप होल मतलब छिद्र, तो पीप का मतलब क्या हो? सर पीप मतलब होता है झांकना, झांकना, झांकना सर, ठीक है। सर पीप का मतलब क्या होता है? झांकना। और होल मतलब छिद्र, यानी कि ऐसा जगह जहां से हम देख सकते हैं कि बाहर कौन खड़ा है, ठीक है, या क्या क्या चीजें हैं, तो दैट इज कॉल्ड पीप होल, ठीक है। अब यहीं से एक वर्ड बन जाता है पीपिंग सर, पीपिंग। पीपिंग का मतलब होता है क्या? ये हो गया झांकना। पीपिंग का मतलब सर ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में चला जाता है सर। क्या होता है पीपिंग का मतलब? होता है सर चोरी छुपे देखना, चोरी छुपे देखना। अगर आप किसी को चोरी छुपे कहीं से देख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द पीपिंग, ठीक है। तो पीपिंग का मतलब क्या हो गया? चोरी छुपे देखना। और ठीक है, तो ये पीपिंग होल हो गया, पीप होल हो गया, होल होल होलिस्टिक, समझ गए आप अच्छे से, ठीक है ना। होलिस्टिक अप्रोच यानी कि संपूर्ण अप्रोच को लेके चल रहे हैं, ठीक है, या फिर जैसे कई सारे वर्ड्स सुनेंगे होलिस्टिक डेवलपमेंट। अच्छा, मैं अगर पूछूं यहां पर होलिस्टिक अप्रोच, ठीक है, तो होलिस्टिक अप्रोच में अगर मैं पूछूं होल, जैसे मैं पीप होल की बात करूं, तो आप बता सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो सकता है? जैसे होल क्या हो गया हमारा? होल हमारा नाउन है,